गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्किल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं वशिष्ठ हाजरा आज आप लोगों के सामने ऑर्डनेंस फैक्ट्री का जो कुछ दिन पहले हुआ उसका कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा उसके बारे में कुछ बातें रखेंगे। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाने वाला तो नहीं था, फिर आप लोगों का इतना रिक्वेस्ट आया, खास करके मेरा कुछ ट्रेनीज है जो इस बार ऑर्डनेंस फैक्ट्री का एग्ज़ाम दिया है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों ठीक है, इसको सुनो तो फिर आपका मन में जो शंका है कि अभी जो कट ऑफ मार्क्स है वो कितना जाएगा कि तो ना कितना आप मेरा चांस बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपका मन का जो शंका है वो थोड़ा सा दूर होगा। और तो नम दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखना है कि इस बार का जो ऑर्डनेंस फैक्ट्री का एग्ज़ाम्स हुआ वो पिछले बार का जो एग्ज़ाम्स है उससे कुछ अलग है, क्योंकि पिछले बार में जो एग्ज़ाम्स होता था वो पर्टिकुलर सेन ऑर्डनेंस फैक्ट्री उसका वैकेंसी निकलता था और वहाँ पे सारे देश का लगभग जो अच्छे कैंडिडेट है वो जाके वहाँ पे कम्पीट करता था। तो वहाँ पे कट ऑफ मार्क्स काफ़ी हाई जाता था। तो इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम हुआ तो सारे जो कैंडिडेट है ये ऑल ओवर इंडिया में बांट गया है, तो कट ऑफ मार्क्स कुछ कम जाने का चांसेस है। दोस्तों मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि फिर एक बात ध्यान रखना है कि इस बार का जो ऑर्डनेंस फैक्ट्री का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो जो वैकेंसी था वो सेंटर वाइज था, मतलब आपने जिस ऑर्डनेंस फैक्ट्री के लिए एग्ज़ाम दिए उस ऑर्डनेंस फैक्ट्री में कितना कैंडिडेट आए कंपटीशन उसके बीच में है, ना कि पूरे भारत में आपका कंपटीशन है। तो दोस्तों पिछले बार के जैसे जो टर्नर ट्रेड का जो कट ऑफ मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाता था, तो लगभग तो पिछले बार जो ऑर्डनेंस फैक्ट्री का वैकेंसी निकला था उसमें उसका कट ऑफ मार्क्स तो 83-82 के आसपास था, जो ना मशीनिस्ट ट्रेड में जो कट ऑफ मार्क्स है थोड़ा कम रहता है और फिटर का 80 की आसपास रहता है। तो दोस्तों इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो जनरल कट ऑफ मार्क्स है वो 75 से लेके 85 के बीच में रह सकता है। ठीक है, मैं कोई जादू तो नहीं जानता हूँ कि आपको बता दूँ कि ठीक है इतना कट ऑफ मार्क्स आ सकते हैं तो आपके सामने उतना ही कट ऑफ मार्क्स आ जाएगा, कोई ऐसे बात नहीं है। बट मैं तो मेरे पास बहुत ट्रेनी का फ़ोन आया था, मुझे तो बहुत तो ने मेरे को मैसेज करके बताया, सर मैंने ये अब इतना काम आंसर किया और थोड़ा क्वेश्चन का जो पैटर्न था और सब कुछ देखते हुए मेरे को लग रहा है जो फिटर ट्रेड का जो कट ऑफ मार्क्स है वो ना 80 के आसपास रहेगा और जो मशीनिस्ट ट्रेड में 77-78 हो सकता है, जो टर्नर ट्रेड है उसमें ठीक है 82-83 जा सकता है। ये डिपेंड करता है हर एक सेंटर वाइज। ठीक है, जहाँ पे अच्छे कैंडिडेट है वहाँ पे कट ऑफ मार्क्स थोड़ा सा हाई जाएगा, जहाँ पे अच्छे कैंडिडेट और नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है वहाँ पे कट ऑफ मार्क्स थोड़ा कम आएगा। दोस्तों आप लोग अगर मेरे को कमेंट करके बताइएगा आपने जो तुरंत आंसर शीट मिला के आपको जितना गलत हुआ है जितना सही हुआ है देख के आपको तो कितना मार्क्स मिलेगा वो सारे अगर आप कमेंट में आप लोग बताएगा तो ना करीब तो ना 100-200 अगर हमको ऐसे कैंडिडेट का मिल जाएगा कि आपने कितना आंसर किया है तो यहाँ से एक तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें से और एक तो फैक्टर ये डिपेंड करेगा कि आप लोग खबर में सुने होंगे कहीं पे मैंने कि मोबाइल से कुछ धांधली हुआ था इस एग्ज़ाम में, वो भी मैटर कर सकता है। बट जब ऑर्डनेंस फैक्ट्री इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया मेरे को लगता है तो
इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा होगा, तो आप लोग दिल को छोटा मत कीजिएगा। ठीक है, माने ठीक है, उम्मीद लगा के रहिए, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, जो लोग तो ना 70 से नीचे शायद कट ऑफ मार्क्स नहीं जा सकता है, तो ना माने जिन्होंने 70 से नीचे मैंने आंसर किए हो, तो उन लोगों को बोल रहा हूँ दोस्तों, फिर से एक बार उठ के खड़े हो जाइए और फिर से एक बार प्रिपरेशन तो ना करना शुरू कर दीजिए। आपको अगर चांस मिलता है या चांस नहीं मिलता है, तो हमेशा मैं आपके साथ हूँ। और दोस्तों टीचर वही माना जाता है जो अपने पीछे वाले बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ता है। सो दोस्तों, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। और ठीक है, आपको पूरा टॉपिक वाइज प्रिपरेशन मैं कराऊंगा, आप इसके मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, और दोस्तों तो लास्ट में फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, जो फिट एड ट्रेड है उसका कट ऑफ मार्क्स 80 के आसपास जा सकता है, और जो टर्नर ट्रेड है इसका कट ऑफ मार्क्स 82-83 जा सकता है, और जो मशीनिस्ट ट्रेड है इसका कट ऑफ मार्क्स 77-78 जा सकता है। ठीक है, जय हिंद।